ओके सो पहले स्टार्ट करने से पहले वीडियो पहले पहले दूसरे चैनल की वीडियो को वीडियो एक बार देख कर लेते हैं। ओके मेरी वीडियो जो भी आने वाली है आप देखिए, जब आपको दिखा दूँ अगर आपको दिख रही है तो आप जाके चेकआउट कर लेना चैनल पे। तो इसको कर देते हैं हम जाके सीधे पब्लिक सीधा पब्लिक। ओके तो ये थी अनलिस्टेड, ये हमने कर दी भाई पब्लिक। ओके और इस सेफ चेकआउट कर सकते हो, दिख रही होगी ये हो अगर रही है आपने अभी आपको, तक सब्सक्राइब नहीं किया ये तो देखो जल्दी भाई। जाके कर दो, 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यस इस वीडियो के बाद 100 तो कम से कम करवा ही दो। प्लेबॉय बिल्कुल यार, देखो चैनल का नाम है प्लेबॉय क्रश, अगर आपको क्रश नहीं पता होगा तो हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बोला था, बट आप लोगों ने शायद गौर नहीं लिंक किया इन था। डिस्क्रिप्शन, यस जल्दी फर्स्ट जाके सेकंड कर दो जाके चेकआउट सब्सक्राइब करो। तो आज क्या करना भाई? भाई, वही जो टाइटल एंड थंबनेल में। ओके लेट्स गो, चलो भाई। सबसे पहले चश्मा उतारना है, इतना कॉस्ट। चश्मे के साथ साथ ट्रिम नहीं होती दाढ़ी। अच्छा ऐसा कुछ भी होता है? नहीं भाई, फिर दिक्कत होती है थोड़ी। चश्मे के बिना ही कर लेते हैं। कैमरा देख रहे तू? तू एंगल में आ रहा है यार। हाँ भाई ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली 3-4 महीने तो हो ही गए मेरे को दाढ़ी रखे हुए, क्योंकि मैं दाढ़ी बाहर से कटवाता हूँ एंड बार्बर शॉप सारी बंद है ऑब्वियसली। तो भाई पहले तो हाँ, अच्छा एक बात बता, तेरे को कितने महीने हो गए ना दाढ़ी मतलब रखी हुई इतनी बड़ी? भाई 3-4 महीने अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। तो 3-4 महीने से तुम्हारा दाढ़ी नहीं काट रही? नहीं देखो भाई ये ना एक सप्ताह काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। हम सब अपने अपने रूम में आ जाते हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ कैसे है। कोई सेंस है इस बात की? तो ये अपने में रहता है, हम अपने में तो देखा ही नहीं इसको ऐसे। तो भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा तुमसे ना हो पाएगा। और मेरे तो भाई आते भी शेप में है। तो भाई देख रहे हो भाई पूरी शेप में ऊपर से दिखा रहे हो। हेल्प मी, शेप में आती है। मैंने ट्रिम भी नहीं करी, 2-3 महीने ट्रिम करे हुए भी हो गए ना, शेप बन रही है। तो करते हैं अब स्टार्ट, देखते हैं कैसी शक्ल निकल के। चुप बिल्कुल चुप। और भाई रिएक्शन कवर करके घर वालों भाई रिएक्शन देखते हैं कैसा देते हैं घर वाले। इतने टाइम से घर वालों ने देखा नहीं ना मेरे बारे में। ओ माय वा मो शिंदेइरु नानी ओ तगुबी देखी। तो भाई अपना सामान पूरा आ चुका है, आप देख सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लगाना शेविंग फोम एंड करते हैं ऐसे एंड करते हैं ऐसे स्टार्ट। ओके सो थोड़ी हेल्प मैं करा रहा हूँ इसकी, क्योंकि क्योंकि भाई मैं खुद इतनी ज्यादा काटता नहीं, तो मेरे को इतनी आदत नहीं है, तो यही काटेगा। ओके देखते हैं, मेरे को भी आदत नहीं, मुझे बार बार समझना पड़ा। चलो भाई दाढ़ी रखने का इतना तो मुझे याद है, तो मैं 8th में तो मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ मैंने देखा हुआ तो कई बार HM रूम के बाहर। प्राउड इंडियन आर्मी ही जंग भाई हमेशा HM रूम के बाहर। मैं कह रहा हूँ जब दाढ़ी आए आउट, जब दाढ़ी रखे आउट। हाँ यार वैसे स्कूल की भी अलग ही मेमोरीज हैं, पर कॉलेज में ऐसा कोई कुछ नहीं कहता तुम्हें, कॉलेज में कोई कुछ नहीं कहता। हाँ ये भी है कॉलेज का मेरे को नहीं पता भाई, मैं इतना कॉलेज का तेरे को कैसे पता होगा भाई, तू तो 12th में गया है। भाई तो मैं तो भी 12th में गया हूँ, मैं थोड़ा शेव करनी पड़ेगी इसकी भाई। देखो जितनी कट अभी थोड़ी बहुत काट ही नहीं कटे भाई, हल्के फुल्के कटे हैं। ओके अगर ट्रिमर से ना हुआ तो भाई शेव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये फिर ट्रिमर खरीदना बेहतर है, कि कट भी नहीं है कट रही। मैं क्यों खड़ा हूँ? जाऊँ मैं? है These nuts. नाच क्यों रहा भाई? फिर नाच रहा भाई? बड़ा सही बंदा है।
मारे युवराज सा चक्का पालम हो मैं जा रहा हूँ तो गाइस मेरे माइंड में ऐसी शेप करते करते एक नॉर्मल बात आ रही थी कि जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है एंड सब बंद है, बाहर सब कुछ बंद है। लॉकडाउन की वजह से कुछ गाड़ियां नहीं चल रही, रोड से बिल्कुल सब कुछ खाली है एंड इंडिया के अंदर इतनी सारी रिवर्स है तो सब कुछ पोल्यूटेड होता था पहले एंड इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन था पहले, तो वो अब सब लॉकडाउन की वजह से डाउन हो चुका है एंड 600-700 होता था लेवल दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का एंड अब 150 के करीब हो चुका है। तो इतने से लॉकडाउन के अंदर 1-1.5 महीना हो चुका है तो काफी ज्यादा पोल्यूशन एंड ये सब रिवर्स क्लीन हो चुके हैं। ऐसे ही अभी मैंने कल एक न्यूज में देखा था, गंगा जो है मतलब सब कुछ दिख रहा है उसके अंदर, अब पवित्र पानी हो चुका है और पहले इतनी गंदी होती थी। हरिद्वार आप कभी जाओ तो देखोगे कि आजकल क्या हो चुका है कि जो हरिद्वार का जो पानी है ना वो पीने लायक हो गया, पीने लायक हो गया, मतलब इतना साफ। तो मतलब इतने से इतने कम दिनों के अंदर मतलब मेरे 1.5 to 28 days तो भाई सिर्फ मुझे रह गई क्या, मुझे रह गई है सिर्फ मुझे करके आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है पूरा मुंह। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस ऑलमोस्ट दाढ़ी पूरी कट चुकी है और सिर्फ मुझे रह गई है। भाई मेरे को बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। भाई गणेश ये देखियो भाई, सिर्फ मुझे रह गई काटनी। कैसा सा लग रहा हूँ देखियो, कैसा लग रहा हूँ अंकल अंकल समक्ष। Really nigga? नहीं पता क्या लग रहा है तो अभी ये पूरी काट तो मैं एक वर्ड बोलूंगा जोक से बात नहीं सही लग रहा। तो गाइस पूरी की पूरी दाढ़ी कट चुकी है, मुझे दाढ़ी सब काट ली है भाई, अलग ही शक्ल निकल के आई है बाहर। तो भाई का रिएक्शन कवर करते हैं और देखते हैं उसकी शक्ल देख के क्या पहचानता है कि नहीं पहचानता, देखते हैं। सो चेक करो। हाँ ठीक है। हाँ भाई ऐसा लग रहा हूँ क्या हुआ मीठा गाइस मैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखता क्योंकि इस बंदे के पास एक ही शब्द बोलने के लिए होगा मीठा। पर ये खुद है, इसकी खुद की दाढ़ी नहीं आती गाइस, देख सकते हो आप। भाई कसम से मम्मी को दिखा जाएगा, चलो मम्मी का रिएक्शन भी कवर करते हैं। भाई सही तो साफ सुथरा लग रहा है, सच्ची बोलूंगा अच्छा लग रहा है। तो भाई साफ सुथरा ही बन के रहना चाहिए, अच्छा लग रहा है। फोन तुम्हारी इधर तेरा नहीं है, एक हफ्ता ना ना हो। हेलो अब मैं बात बात करता हूं क्या भाई, उसका फोन भी कट नहीं गया था, मैंने हाथ से फोन कर गया था यार। क्रिश तू छप रही है यार, मैं गोली खाऊंगा बहन की तेरे से बड़ा नहीं। चलो मम्मी का रिएक्शन कवर करते हैं, चले आ जाओ। चलो आओ कैमरा छुपा देते काम करते हैं। देख इसे कहते हैं रियल रिएक्शन। तेरी शक्ल कितनी सुंदर लग रही है, पहले नहीं थी, अभी थोड़े बाल भी थे, पहले नहीं थी। नहीं यूवर छपरी नहीं थी, अच्छी जगह पहले नहीं थे ना, बंदा लग रहा था पहले तू, अब तो बंदा लग रहा है। भाई मेरी दादी कह रही है, दादी कह रही है पहले गंदा लगता था, अब तो बंदा लग रहा है। भाई मैं अपने बाल दिखाऊं यार। भाई तेरे बाल तो वैसे भी चलो अभी तक छपरी जैसे हैं तेरे बाल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही मेरी दाढ़ी गाइस, देख सकते हो आप पूरी की पूरी दाढ़ी। भाई यार वी मिस यू यार, भाई चिपका नहीं सकता आप इसको। भाई आरआईपी दाढ़ी भाई, ये लो आरआईपी दाढ़ी यार। भाई एक शक्ल दिखाइए भाई, चिकना लग रहा है बाबू, तू तो चिकना हो गया भाई। क्या कर सकते हैं भाई, है भाई मेरी भी दाढ़ी और बाल कितने बड़े हो गए हैं भाई, है मम्मा मेरे बाल देखो कितने बड़े हो गए और दाढ़ी देखो, देख मेरी देख तो कटवा लेना भाई। तेरे अगर मैं बताऊँ तो तेरे उसके गाइस कमेंट करके बताना, अगर मेरा निकल के अच्छा चेहरा आया तो ये भी अपनी सारी दाढ़ी काटेगा। माना अल्लाह कुछ भी नहीं है, हल्के फुल्के भाई मैं तो भाई कम है, गेटिंग बॉल्ड वाला प्रैंक बनाते हैं कम, गेटिंग बॉल्ड जरूर भाई। मैं थोड़ा गंजा, मैं भी नहीं हो रहा, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। नहीं भाई मेरे को इससे अच्छे बाल उनके और अगली बार ही नहीं मिलने वाले, नेक्स्ट जरा मैं चेक करते हैं। हाँ भाई भाई यार अलग ही शक्ल कर दी पूरी, वो तो तूने कर दिया। देख सकते हो व्लॉग्स के लिए क्या क्या करते हैं हम।
तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा तो, और भाई का चैनल प्ले बॉय क्रिश भी कर देना, गेमिंग चैनल। भाई मेरे चैनल का नाम है प्ले बॉय क्रिश, आपको फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं गेमिंग वाली वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रैनी आइसक्रीम टाइप ऑफ, यू नो पबजी तो मेन है आप सभी की फेवरेट, फ्री फायर नहीं, हम गरीब लोग नहीं है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें चैनल को, ये भाई दिल पे मत ना, जो लोग फ्री फायर खेलते हैं रिस्पेक्ट यू ऑल, दिल से रिस्पेक्ट है भाई, बुरा नहीं लगता, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड एपिक एपिक व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, टी शर्ट को इग्नोर करना गिल्ली हो चुकी है, कोई बात नहीं, वो वैसे भी नहीं देखते लोग तो तेरे को देखेंगे, ये देखो इसकी गंदी बूथ थी। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन।